अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज आप दोस्तों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मोबाइल के अंदर फुल शॉर्टेज होती है, ऑफ शॉर्टेज होती है, उसको कैसे ट्रेस करना है। ठीक है, तो उसका तरीकाकार बताऊँगा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक मोबाइल है। ठीक है, तो आज हम इसकी जो फुल शॉर्टेज है वो ट्रेस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक कर दें। तो मल्टीमीटर से हम सबसे पहले इसकी चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका ये चेक करते हैं, यहाँ पे हम एक जो हम ग्राउंड करेंगे, ठीक है, और दूसरा हम पॉजिटिव फेस पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही। ठीक है, थोड़ा सा मीटर को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा मीटर जो है वो सेट हो गया। ठीक है, तो अभी आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट हुए हैं। ठीक है, ये देखें, तो ये फुल शॉर्ट है। तो आज हम इसकी जो शॉर्टेज है वो किस तरीके से क्लियर करेंगे, तो हमने एक ये शॉर्ट किलर बनाया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो इसका शॉर्ट किलर हमने डायरेक्ट बैटरी से लगाया, इसकी चिप बीच में इसने निकाल दिया। तो सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि वोल्टेज इसमें आ रहे हैं 3.18, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इसकी शॉर्टेज को क्लियर करेंगे। तो किस तरीके से क्लियर करना है, जो नेगेटिव होगा वो हमने ग्राउंड कर देना है और जो पॉजिटिव होगा वो हमने पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा देना है। तो अगर आपको पता ना हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट कौन सा है, तो आप जो इसकी बैटरी होगी वहाँ से आप इसके देख सकते हैं कि इसका नेगेटिव कौन सा है और जो पॉजिटिव है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इसका जो है, यहाँ पे ये इसका हमें जो नेगेटिव है ये पहले हम चेक कर रहे हैं कि हमारी बैटरी जो है वो चार्ज भी है या नहीं है। स्पार्किंग जो है वो तो हमने चेक किया, लेकिन हमारा जो करंट है वो उसमें भी जा नहीं रहा। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं, यहाँ से हमारा तो बोर्ड वगैरह भी कहीं से हीट अप नहीं हुआ। तो थोड़ा सा हम जो है यहाँ पर बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, शायद इसमें वोल्टेज जो है वो, तो अभी हम दोबारा से चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि इसमें शॉर्टेज जो है वो क्लियर हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पे भी हमने इस पर चेक किया, तो हमारी जो शॉर्टेज है वो अभी भी इसमें है, क्लियर नहीं हुई। तो अभी हम दोबारा से इसकी ट्रेसिंग करेंगे। ठीक है, ट्रेसिंग करके आपको दिखाएंगे कि हमारा जो बोर्ड है वो कहाँ से शॉर्ट था और इसमें कौन सा कंपोनेंट, इसमें एक ही कोई ऐसा कंपोनेंट शॉर्ट होगा या फिर पावर ऐसी शॉर्ट होगी, इनमें से कोई एक चीज़ जो है वो इसमें शॉर्टेज होगी। या फिर हमें भी अभी भी शॉर्टेज इसमें मिल रही है, इसमें अभी भी शॉर्टेज जो है वो आ रही है। ये देख सकते हैं आप दोनों तरफ भी इसमें शॉर्टेज आ रही है। तो हम इसको चेक करते हैं कि इसमें शॉर्टेज वगैरह कहाँ से है। तो सारे यहाँ से हम इसकी जानियाँ वगैरह उतार लेते हैं। तो यहाँ पे अभी इसकी मैंने जो है वो शॉर्टेज ट्रेस की है। ठीक है, तो शॉर्टेज जो हमने ट्रेस करनी है, देख सकते हैं कि यहाँ पे दो छोटे नोट छोटे जो है, एक डायोड और एक कैपेसिटर यहाँ से मैंने उतारा हुआ है। उतार के जब मैंने इनको चेक किया, तो ये दो कंपोनेंट में से एक हमारा जो है अभी कंपोनेंट जो है शॉर्ट है। तो इसको चेक करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट हमारा जो है वो फुल शॉर्ट दे रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके चेक करा देता हूँ, और नीचे आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको देख सकते हैं कि हमारी शॉर्टेज भी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ये देखें, शॉर्टेज हमारी क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ से दो कंपोनेंट इसके मैंने जो है वो रिमूव किए थे। ठीक है, एक ये कैपेसिटर और एक ये डायोड। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि हमारा जो डायोड है वो ओके है, ये डायोड हमारा ओके है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है, फिर इसमें हम चेक करते हैं अभी कैपेसिटर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है वही इसमें शॉर्ट आ रहा है। ठीक है, आप देख लें कि हमारा जो कैपेसिटर है वो इसमें शॉर्ट आ रहा है, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं शॉर्ट आ रहा है। तो जो हमारा डायोड है उसको हम वापस लगा देते हैं और इस कैपेसिटर को हम यहाँ से जो रिमूव करेंगे या इसकी जगह पे हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, बाकी हमारी आप रीडिंग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ओके हो चुका है।
तो अभी हम इसको डायोड लगा के दूसरा कंपोनेंट भी चेंज कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा फिर मोबाइल जो है ये ऑन होता है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने डायोड भी वापस लगा दिया और जो दूसरा कंपोनेंट था वो भी लगा दिया। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसकी बैटरी इंस्टॉल करते हैं और पावर की प्रेस करते हैं, थोड़ा सा हम की पावर की प्रेस करते हैं इसका, शायद पावर की प्रेस नहीं था सही तरह से। बैटरी को हम एक दफ़ा से दोबारा निकाल के दोबारा से इसको अटैच करते हैं। ये देखिए हमने बैटरी को एक दफ़ा से निकाल के दोबारा से भी इसको अटैच किया। तो अब देखते हैं, तो ये देखें कि हमारा मोबाइल जो है वाइब्रेट हुआ है और ये ऑन हो चुका है। ये आप देख सकते हैं मोबाइल तो हमारा ऑन हो चुका है लेकिन डिस्प्ले ग्राफिक्स जो है ये डैमेज हुआ हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी जो एक छोटा सा कंपोनेंट थी, एक स्ट्रेच हमने रिप्लेस किया जो कि फुल शॉर्ट था। तो ये रिप्लेस करने से हमारा जो है सेट ये ओके हो चुका है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव की शॉर्टेज थी। तो यही तरीका है, आप इसी तरीके से शॉर्ट किलर से आप इसकी बैटरी टर्मिनल पे दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव पे रख के आप शॉर्टेज ट्रेस कर सकते हैं। ये है शॉर्ट किलर, जैसे मैंने इसकी शॉर्टेज ट्रेस की है। ठीक है, ये जैसे ही आप लगाएंगे तो जो कंपोनेंट्स होगा वो या तो हीट होके जल जाएगा या उसमें से स्मोक निकलना शुरू हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।